हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं शरणजीत सिंह, एसएस ग्रुप बिल्डर से। मैं आज आपको जो हाउस दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ है 177 स्क्वायर यार्ड। और ये जो हमारा हाउस है फ्रेंड्स, सेक्टर 125 सनी निकलेब की फर्स्ट ब्लॉक न्यू सनी निकलेब में है। बाहर से स्टेयर्स है, 4 BHK हाउस है। बहुत ही प्राइम लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट फेस का घर है ये। 30 फीट इसके सामने रोड है। और जो इस घर की मेन कनेक्टिविटी है, प्रेजेंट 100 स्क्वायर फीट रोड से है। देखिए, रहायश एरिया में है, रेजिडेंशियल एरिया सारा। और बिल्कुल इसके नियरेस्ट 200 स्क्वायर फीट रोड, जो 200 फुट एयरपोर्ट रोड है PR7, उसके नियरेस्ट है। रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ही प्यारा और ब्रांड न्यू नॉर्थ ईस्ट 177 स्क्वायर यार्ड का हाउस, इसकी स्टेयर बाहर से है। देखिए, मोंटी तक इसकी स्टेयर जा रही है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको हाउस के अंदर। इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो स्लाइडिंग गेट्स है। 2 कवर्ड पार्किंग है यहाँ पे। देखिए, एक यहाँ पे आप SUV गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हो। और एक SUV गाड़ी आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हो। स्लाइडिंग गेट होने का बेनिफिट ये है कि हमें पार्किंग स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। और इस घर के एलिवेशन की अगर बात करते हैं, तो पूरे ही फ्रंट एलिवेशन पे टाइल का वर्क हुआ हुआ है। देखिए, बहुत ही शानदार और बढ़िया टाइल स्मार्टनेस तरीके से लगाई गई है इस पूरे घर के अंदर। यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक ऑलरेडी बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4000 लीटर के नियर अबाउट है। और यहाँ पे एक वाटर की कनेक्शन पाइप के ऊपर टुल्लू पंप इंस्टॉल हुआ है, जिससे पूरे घर में पानी के कनेक्शन प्रेशराइज जाएगा इस वाटर टुल्लू पंप से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी स्टेयर बाहर से है हमारी। और इसके नीचे बहुत ही स्मार्ट स्टोरेज बनाई गई है, जैसे किचन का सिलेंडर, गैस पाइप इसके अंदर कनेक्ट होती है। और आपका छोटा मोटा सामान भी इजीली इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस तरीके से इसमें वुडन पैनलिंग की गई है। LED लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट फेस है सर इस हाउस का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर की ओर। ये इस घर का मेन डोर आ गया फ्रेंड्स। टीक वुड लगी हुई है पूरी डोर्स में यहाँ पे। बहुत ही शानदार, खुला और प्यारा बना हुआ हाउस है ये। इस पूरे हाउस में कहीं पे भी लाइट की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत ही खुला ड्राइंग रूम और बहुत हैवी डाउनफॉल सीलिंग हुई हुई है। इस डाउनफॉल सीलिंग के अंदर भी देखोगे आप, वुडन का वर्क हुआ हुआ है। यहाँ पे सामने एक विंडो आ जाती है, जिससे बहुत अच्छी नेचुरल लाइट और एयर क्रॉसिंग भी अच्छी होती है। सामने एक वॉल है ड्राइंग रूम की, जिसके ऊपर पूरी वॉल के ऊपर 3D वॉलपेपर लगा हुआ है। और ये जो वुडन का वर्क हुआ फ्रेंड्स, ये LCD पैनल है। इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज और क्रॉकरी बनाया गया है, क्योंकि ये डाइनिंग एरिया के सामने का स्पेस आ जाता है बिल्कुल। देखिए, पूरी हैवी डाउनफॉल सीलिंग और काफ़ी हैवी TV यूनिट पैनल, जिसको क्रॉकरी यूनिट के साथ इंस्टॉल किया गया है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज की जा सकती है इसके अंदर। फ्लोरिंग जो इस घर के अंदर रहने वाली है फ्रेंड्स, वो है टाइल वर्क, जिसका साइज 2x4 है। देखिए, बहुत ही अच्छी टाइल का वर्क हुआ हुआ है इस पूरे घर के अंदर। TV यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ, देखिए काफी अच्छा इसके अंदर स्टोरेज है। प्रॉपर ड्रॉर्स बने हुए हैं। देखिए, इन ड्रॉर्स में आप काफी सामान स्टोर कर सकते हो। इंटरनल साइड में भी माइका और टीक प्लाई यूज की गई है प्रॉपर। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग है, पॉलिश बहुत अच्छी हुई है और बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट मैच किया गया है। सारा ही डोर्स पॉलिश किए गए हैं, कोई वाइट वॉश नहीं यूज, पेंट वगैरह नहीं यूज किया गया। अब मैं लेके जा रहा हूँ किचन की ओर आपको।
किचन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, किचन का साइज है 10 फीट बाय 10 फीट। बहुत बड़ा किचन है यहाँ पे, देखिए मॉडुलर किचन है पूरा। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे हमारा डबल डोर फ्रिज का एरिया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 फीट का स्पेस है। और ये हमारा ट्रॉलर यूनिट आ गया, देखिए इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज की जा सकती है आपकी ग्रोसरी की। हाइड्रोलिक है, सारा कंपनी का है, हाईटेक कंपनी का बना हुआ है। किचन भी सारा मॉड्यूलर, देखिए सॉफ्ट क्लोज किचन है। ग्रेनाइट मार्बल यूज किया गया है किचन के टॉप पे। ड्यूल सिंक लगा हुआ है यहाँ पे। और जो हमारी सैनिटरी फिटिंग रहने वाली है फ्रेंड्स, वो जैगवार है, देखिए जैगवार का फिटिंग है यहाँ पे। ड्यूल सिंक है यहाँ पे। किचन में भी एक बहुत बड़ा विंडो है जिससे काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट और एयर क्रॉसिंग है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन और गीजर का प्रोविज़न है और चिमनी का भी प्रोविज़न है। किचन के सारे ही ड्रॉर्स जो हैं हाइड्रोलिक हैं, सॉफ्ट क्लोज हैं। किचन में भी काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस डाउन सीलिंग की गई है, देखिए इसमें भी प्रॉपर वुडन का वर्क हुआ है। ड्राइंग रूम भी बहुत खुला डुल्ला और बहुत स्पेसिस है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आपका 12 सीटर सिटिंग का सोफा सेट इजीली लग सकता है, क्योंकि बड़ा घर है फ्रेंड्स ये। डाइनिंग की भी अगर बात करते हैं तो डाइनिंग एरिया में भी हम लोग इजीली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 या फिर 10 डाइनिंग चेयर्स इजीली लगा सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम में लेके जा रहा हूँ मैं आपको। इस बेडरूम के साइज़ की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इस बेडरूम का साइज़ है 14x15। पूरा वर्किंग हुआ हुआ है, पूरा लोडेड है ये एक तरह से बेडरूम, जिसमें प्रॉपर डाउन सीलिंग है। देखिए प्रॉपर पूरी हैवी डाउन सीलिंग, वुडन वर्क हुआ हुआ है इसमें। कबर्ड्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी स्मार्टनेस से इन कबर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे एक टीवी यूनिट है जिसका कंट्रास्ट मैच कर रहा है कबर्ड से डाउन फॉल सीलिंग डोर्स। और यहाँ पे जो ये ड्रेसिंग एरिया बनाया गया, देखिए कितनी स्मार्टनेस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। टीवी यूनिट में भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज है फ्रेंड्स, देखिए। और यहाँ पे बड़ा आपका कोई भी टीवी यूनिट हो वो लग सकता है। यहाँ पे एक विंडो दी गई है बैकयार्ड से, इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा आता है और नेचुरल लाइट भी। एक स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्मार्ट विंडो है जिससे आप इजीली यहाँ पे विंडो एसी भी इंस्टॉल कर सकते हो। कबर्ड्स का जो कंट्रास्ट है मैच करता है यहाँ के इंटीरियर के साथ इस घर के। देखिए इंटरनल साइड में माइका लगा हुआ फ्रेंड्स। प्रॉपर शू रैक बने हुए हैं, ड्रॉर्स बने हुए हैं इसमें, रॉड्स, हैंगर रॉड्स इजीली सारी इंस्टॉल की गई हैं इस घर के अंदर कबर्ड्स के। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा खुला डुल्ला और शानदार बेडरूम है इस घर का। ये काफ़ी अच्छी डाउन फॉल सीलिंग भी है, वॉलपेपर भी लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे। मैं लेके जा रहा हूँ अभी वॉशरूम में आपको। इस वॉशरूम का साइज है फ्रेंड्स 8 फीट बाय 9 फीट, 8 फुट बाय 9 फीट। बहुत ही बड़ा खुला वॉशरूम है, देखिए जैकोर की ही इसमें फिटिंग इंस्टॉल की गई है। ऑलरेडी डिवाइडर इंस्टॉल है जैकोर का, शावर लगा हुआ है, वॉल हैंगिंग टॉयलेट शीट्स है यहाँ पे। और वॉशरूम में फ्रेंड्स 2x4 की टाइल इंस्टॉल है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे कोई वॉश बेसिन के प्रोविजन की जगह वेनेट्री इंस्टॉल करके दी गई है। 2x4 की टाइल बहुत ही अच्छी स्मार्टनेस तरीके से लगाई गई है इसके अंदर। वॉशरूम में इतनी स्पेस है कि यहाँ पे एक पार्टीशन का डिवाइडर बनाया गया है, इसमें आप इजिली ग्लास लगाना चाहते हो तो ग्लास लगा सकते हो। बहुत अच्छी लाइट भी है नेचुरल इसके अंदर। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी है, देखिए। और बाथरूम में जो वुडन वर्क डोर्स के इंस्टॉल हैं वो सारे टीक वुड के हैं, देखिए काफी अच्छे डोर्स हैं ये, टीक वुड यूज की गई है पूरी। और बेडरूम में अगर बात करते हैं तो फ्लोरिंग सारा ही टाइल यूज किया गया है, सेम कंट्रास्ट है। ड्रेसिंग में देखिए कितनी अच्छी स्मार्टनेस तरीके से ड्रेसिंग बनाई है यहाँ पे। और प्रॉपर स्टोरेज है इसके अंदर भी फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी। और ये बहुत ही खुला बेडरूम,
फर्स्ट बेडरूम से मैं सेकंड बेडरूम की और लेके जा रहा हूँ आपको। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड बेडरूम में, ये उस बेडरूम के साइज से सेम साइज है। इस बेडरूम का भी वर्किंग साइज जो है 14x15 का, 14 फिट बाई 15 फिट का ही बेडरूम आ गया है हमारा। डिफरेंट तरह का कंट्रास्ट है इस बेडरूम में भी। एलसीडी यूनिट काफी हैवी है, बना हुआ वुडन का। प्रॉपर ड्रॉर्स हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, देखिए। यहाँ पे भी स्मार्टनेस तरीके से, यहाँ पे आईडीए से स्मार्टनेस तरीके से इसमें भी ड्रेसिंग एरिया बनाया गया है। और वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे एक विंडो दी गई है, बैकयार्ड के लिए भी यहाँ से एक डोर है। और ये हमारा कबर्ड्स का एरिया आ गया। बेड की बैक वॉल है फ्रेंड्स, इस वॉल के ऊपर भी टोटली ही वॉलपेपर यूज किया गया है। इस बेडरूम में फ्रेंड्स डॉन फॉल सीलिंग जो है बहुत ही डिफरेंट तरह की हुई है। मतलब हर बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम में डॉन फॉल सीलिंग की गई है। उस सब में ही बेड वुडन का वर्क, वुडन टच दिया गया है। अब मैं वॉशरूम में लेके जा रहा हूँ, सेकंड वॉशरूम जो ग्राउंड फ्लोर का है। बहुत ही प्यारी टाइल वर्क यूज की गई है इसके अंदर भी, 2x4 की टाइल यूज की गई है। देखिए इस बेड वॉशरूम में भी फ्रेंड्स जैकॉर का ही फिटिंग रहने वाला है। डाइवर्टर लगा है 3-way जो कि जैकॉर कंपनी का है। रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये, देखिए। शावर है यहाँ पे और वेनेट्री भी जैगोर का ही इंस्टॉल किया गया है। वॉल हैंगिंग टॉयलेट शीट्स आ जाते हैं यहाँ पे। और काफी अच्छी यहाँ पे नेचुरल लाइट है इस विंडो से, और एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन दिया गया है। अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको सेकेंड फ्लोर पे। घर इतना प्यारा है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ इसकी तारीफ करूँ या कुछ भी ऐसा कुछ बोलूँ, मतलब उस कमी ही लगती है इस घर के रिलेटेड, कि अगर कुछ भी बोल रहा हूँ वो कम ना रह जाए मेरी तरफ से। बहुत प्यारी और बेस्ट डील है फ्रेंड्स से। ये देखिए बैकयार्ड आ गया यहाँ पे एक। हमारी बैकयार्ड का अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एरिया आ गया बैकयार्ड का। और इस एरिए में प्रॉपर वॉशिंग एरिया को यूज तरीके से यूज किया जा सकता है। और इसको प्रॉपर ही गेट सिक्योरिटी व्यू से अगर देखते हैं तो रेलिंग लगा के पहले से ही इसको क्लोज किया गया है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूं फ्रेंड्स। इस घर की स्टेयर जो बाहर से रहने वाली है, फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूं मैं आपको। स्टेयर्स के ऊपर भी जो यूज किया गया है ग्रेनाइट मार्बल है टोटली। देखिए स्टेनलेस स्टील के साथ वर्क हुआ है इसके ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बालकनी का एरिया आ जाता है, जिसपे काफ़ी अच्छी सीटिंग होती है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। दो सौ फुट एयरपोर्ट रोड है जो PR7 जिसका नाम दिया गया, बिल्कुल नियरेस्ट है। रेजिडेंशियल एरिया की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये। 100 फीट रोड है सामने, देखिए फिलहाल 100 फीट रोड से कनेक्टिविटी है और बिल्कुल नियरेस्ट 200 फुट एयरपोर्ट रोड है। फर्स्ट फ्लोर में भी पैनलिंग की गई है, वुडन पैनलिंग काफी स्मार्टनेस तरीके से की गई है। फर्स्ट फ्लोर में लेके जाता हूं मैं आपको। एंटर करते ही हमारा ये एरिया जो आ जाता है फ्रेंड्स, ड्रिंक कम डाइनिंग का एरिया है। और साथ में यहाँ पे एक मॉड्यूलर किचन, जैसे ग्राउंड फ्लोर में था वैसे ही इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इस एरिया में फ्लोरिंग जो रहने वाली है फ्रेंड्स वो भी हमारी टाइल वर्क ही है। और इस एरिया की अगर बात करते हैं तो डॉन फॉल सीलिंग इसके अंदर भी काफी अच्छी हैवी डॉन फॉल सीलिंग है। और इस डॉन फॉल सीलिंग में भी वुडन का वर्क किया गया है। ड्रिंक कम डाइनिंग का एरिया और ये हमारा किचन आ गया। इस यहाँ पे भी हमारी काफ़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है, देखिए गैस पाइपलाइन के प्रोविज़न, चिमनी का प्रोविज़न, एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न, गीजर, विंडो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी। और बहुत ही बड़ा किचन है। अगर इस घर को आप रेंट आउट करना चाहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे देते हो, तो मिनिमम टू मिनिमम
15,000 रुपये इसका एक फ्लोर का रेंट आता है। अगर दो बड़ी फैमिलियां भी इसको रहने के लिए यूज़ करती हैं तो भी ये बहुत अच्छा दो फैमिलियों के अकॉर्डिंग यूज़ किया जा सकता है। और मैं आपको थर्ड बेडरूम में ले के जा रहा हूँ, देखिए थर्ड बेडरूम में भी बहुत अच्छी नेचुरल लाइट है और सामने बहुत बड़ा विंडो है इसका एक। यहाँ पे भी टीवी यूनिट का पैनल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है। डाउन फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी है इस बेडरूम में भी। वॉशरूम जो है इसके साथ अटैच रहने वाला है फ्रेंड्स, देखिए। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी वुडन वर्क का कबर्ड बना हुआ है जिसका कंट्रास्ट मैच करता है इस बेडरूम के इंटीरियर के साथ। टाइल वर्क इसमें भी 2x4 का रहने वाला है फ्रेंड्स। डाइवाइटर, वेनेटरी, वॉल हैंगिंग, टॉयलेट शीट्स, इस वॉशरूम में भी सेम ही है जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पे चेंज किया जाता है कंसेप्ट, मगर इसमें जो कंसेप्ट ग्राउंड फ्लोर में है वही कंसेप्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लिया गया है। अब मैं लेके जा रहा हूँ फोर्थ बेडरूम में। इस बेडरूम की अगर साइज की बात करते हैं फ्रेंड्स, इस बेडरूम का साइज है 12x13। अब मैं लेके जा रहा हूं आपको फोर्थ बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज भी जो रहने वाला है वो है 14x15 का बेडरूम है फ्रेंड्स ये। इसमें भी काफी अच्छे तरीके से स्मार्टनेस तरीके से कबर्ड्स डिजाइन किए गए हैं। टीवी यूनिट भी जो बना हुआ है बहुत ही हैवी और बहुत अच्छे डिजाइन से बनाया गया है। डाउन फॉल सीलिंग भी काफी अच्छी इस बेडरूम में की गई है। ये देखिए यहाँ पे एक हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, इसमें भी काफ़ी अच्छे कबर्ड्स हैं, स्टोरेज बनाई गई है। यहाँ ये कबर्ड्स काफ़ी अच्छे स्मार्टनेस तरीके से कबर्ड बनाए गए हैं। और फ्लोरिंग जो इस बेडरूम की भी रहने वाली है फ्रेंड्स वो टाइल वर्क यूज़ किया गया है 2x4 का। ये हमारे जो फोर्थ बेडरूम आ गया उसके साथ वाशरूम अटैच। इस वाशरूम के साइज की भी अगर बात करते हैं तो 8x9 feet, 8x9 feet का वॉशरूम है ये। इसमें भी जो टाइल रहने वाली है वो उसका साइज 2x4 है, काफ़ी अच्छे तरीके से लगाई गई है और जैकॉन की ही इसमें फिटिंग रहने वाली है। डाइवाइटर प्रॉपर इंस्टॉल किए गए हैं, सो ये कल को कोई क्लाइंट आता है तो उसको ये नहीं है कि ये वाली फिटिंग नहीं लगी, ऑलरेडी फिटिंग, वॉल हैंगिंग, टॉयलेट शीट्स, जैकॉन की सारी सैनिटरी यूज की गई है, वेनेटरी ऑलरेडी बना हुआ है, रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न, गीजर का प्रोविज़न सारा कुछ ध्यान में रख के इस घर को बनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब मैं लेके चलता हूँ इसका जो बैक यार्ड एरिया जाता है। फोर बेडरूम, फोर वॉशरूम, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। ये हमारा बैक यार्ड एरिया आ गया, फर्स्ट फ्लोर का बैक यार्ड एरिया ये। अगर आप इस एरिया पे भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्राउंड फ्लोर में बैकयार्ड एरिया है उसको कवर करने के लिए रेलिंग का वर्क ऑलरेडी किया गया है। काफ़ी अच्छा प्यारा शानदार घर है ये। देखिए 200 फुट एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नियरेस्ट है, रेजिडेंशियल एरिया में है, फैमिलीज रह रही हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ इस डील को छोड़िए मत जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आपको ये घर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस डील को क्लोज़ कीजिए, सो दैट आप इस घर को क्लोज डील लेते हो तो हमें आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी ये बेनिफिट रहेगा कि कोई अच्छा पर्सन डायरेक्ट इस डील को ले। इस डील में हमारा कोई डीलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टेयर्स से सेकेंड फ्लोर के रूप पे। इस घर का बेनिफिट ये भी है फ्रेंड्स, नॉर्मल हर घर की स्टेयर जो होती हैं फर्स्ट फ्लोर तक होती हैं, मगर इस घर की जो स्टेयर्स हैं सेकंड फ्लोर तक हैं। ये माउंटी का एरिया आ गया जो सेकंड फ्लोर पे है, इसको हम लोग स्टोरेज पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा एरिया आ जाता है, ऑलमोस्ट इसके साइज़ की अगर बात करते हैं तो 9x9 feet का एरिया है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और मैं आपको रूफ दिखा देता हूँ इसका, टॉप रूफ पे आ गया हम लोग फ्रेंड्स। देखिए सभी एसीज के कैमराज के प्रोविज़न हैं इस फ्लोर पे। यहाँ से एक स्टेयर्स हैं जो माउंटी के ऊपर जो वाटर स्टोरेज टैंक हैं
टू वाटर स्टोरेज टैंक है यहाँ पे, उनके लिए मेंटेनेंस के लिए दी गई है। ये 200 स्क्वायर फीट एयरपोर्ट रोड आ गया हमारा। ये हमारा है जो सॉफ्ट रोड, मेन रोड से कनेक्टिविटी आ गई यहाँ पे हमारी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी डील है। अगर इस डील को क्लोज करना चाहते हो, इस डील के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सेक्टर 125 की डील है ये, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 727-5x024 727-0000024 शरणजीत सिंह फ्रॉम SS ग्रुप बिल्डर। मेरी वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।